नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और यह है सैमसंग गैलेक्सी M51। दोस्तों आपको पता होगा इस फोन में है 7000 mAh की बैटरी और इसके साथ आपको बॉक्स में मिलता है 25 वोल्ट का फास्ट चार्जर। लेकिन हम आज इसकी करेंगे चार्जिंग टेस्ट, वो भी MI के चार्जर से, जो है 27 वोल्ट का चार्जर। तो कई लोगों को जानना होगा कि क्या वाकई इस चार्जर के साथ आप अपने फोन को फास्ट चार्ज कर सकते हो, कितना टाइम लगेगा अगर आप इस 27 वोल्ट के चार्जर से चार्ज करोगे अपने फोन को 0 to 100%। तो जो फोन है M51 अब स्विच ऑफ हो चुका है 0% बैटरी लेवल है इसकी, तो हम करेंगे इससे फुल चार्ज। हम हर 20% के बाद टाइम को नोट करेंगे, इसके अलावा जो टेम्परेचर है उसे भी नोट करेंगे फोन का और चार्जर का। दोस्तों अगर आप अपने M51 को उसी के ही ओरिजिनल चार्जर से चार्ज करते हो तो टाइम लगेगा 1 hour 50 minutes से लेकर 2 hours, 1 घंटे 50 मिनट से लेकर 2 घंटे के बीच में ये फुल चार्ज हो जाता है अगर आप उसी के ही 25 वोल्ट के चार्जर से चार्ज करोगे तो। लेकिन अब हम करने वाले हैं MI के 27 वोल्ट से चार्जिंग, देखेंगे कितना टाइम लगता है। दोस्तों फोन जब 1% चार्ज हो जाएगा तो मैं इसे स्विच ऑन करूंगा। दोस्तों चार्जिंग के दौरान इस फोन में सभी कनेक्शंस ऑफ रहेंगे, इसके अलावा AODB भी ऑफ रहेगी, लेकिन जो चार्जिंग इन्फॉर्मेशन होती है जो शो करती है कि कितनी चार्जिंग हुई है वो फंक्शन यहाँ पे ऑन रहेगा, बाकी सब कुछ ऑफ रहेगा। दोस्तों मैंने कर दिया है स्विच को ऑन और टाइमर को स्टार्ट। दोस्तों M51 फुल्ली चार्ज हो चुका है आप देख सकते हो, और इसे चार्ज होने के लिए लगे हैं 2 hours 9 minutes, 2 घंटे 9 मिनट में ये फुल चार्ज हो चुका है। और जैसे हमने आपको बताया था, अगर आप 25 वोल्ट के सैमसंग के चार्जर से चार्ज करते हो इस फोन को तो लगते हैं 1 घंटे 50 मिनट, मैक्सिमम 1 घंटे 55 मिनट लगेंगे, लेकिन 1 घंटे 50 मिनट हम मान के चलते हैं, मतलब आपको 20 मिनट ज्यादा लगेंगे अगर आप MI के 27 वाट के चार्जर से चार्ज करोगे तो। अब बात करते हैं हम टेम्परेचर की, तो फ्रंट में अब है 30.9 जो नॉर्मल है, बैक में है 30.5, तो मैक्सिमम इसका 34 पहुंचा था चार्जिंग के दौरान बैक में, उससे ज्यादा गया नहीं। और बात करेंगे चार्जर की, तो चार्जर का भी मैक्सिमम 32 पहुंचा था और यहां पे अब है 32 के करीब। तो चार्जिंग के दौरान चार्जर या फिर फोन हीटअप होता नहीं है, तो ऐसा कोई भी हीटिंग इश्यू नहीं है चार्जिंग के दौरान। अब बात करते हैं लैप्स की, तो 0 to 20%, 20 to 40%, 40 to 60% और 60 to 80%, सभी लैप्स को लगते हैं 25 मिनट इस तरीके से चार्जिंग होती है, और लास्ट का जो लैप है 80 to 100% उसे लगते हैं ऑलमोस्ट 29 मिनट। मतलब अगर आप 80% चार्जिंग करने वाले में से हो, अगर आप अपने फोन को 80% चार्ज करना पसंद करते हो, तो आपको लगेंगे इस चार्जर के जरिए 1 hour 40 मिनट। नॉर्मली 25 वोल्ट के चार्जर से लगता है 1 hour 20 मिनट,
तो यहां पे भी आपको 20 मिनट ज्यादा लगेंगे इस चार्जर के जरिए। तो अगर आप ओके हो, 20 मिनट टाइम डिफरेंस है, तो आप इस चार्जर का यूज कर सकते हो। इस चार्जर की जो प्राइस है काफी कम है, सैमसंग के चार्जर से काफी कम है, क्योंकि ये जो चार्जर है आपको मिलता है एमेजोन और एमआई की साइट पे केवल 549 में। और बात करेंगे सैमसंग के चार्जर की, तो आपको सैमसंग का चार्जर मिलेगा 1249 में। ऑलमोस्ट 700 आप सेव कर सकते हो अगर आप एमआई के चार्जर को यूज करते हो तो। तो अगर आप इस चार्जर को परचेस करना चाहते हो, यूज करना चाहते हो, तो कर सकते हो। ये आपको मिल जाएगा अमेजोन पे, लिंक आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों और एक जरूरी बात, जब मैंने फोन को चार्ज करना स्टार्ट किया था तो यहाँ पे शो हो रहा था 2 आवर 20 मिनट टू फुल्ली चार्ज, मतलब 2 घंटे 20 मिनट लगेंगे फुल्ली चार्ज होने के लिए। लेकिन 11 मिनट पहले चार्ज हुआ है, 2 घंटे 9 मिनट में ये फोन जो है फुल्ली चार्ज होता है। मैंने फोन को स्विच ऑन करके चार्ज किया है, अगर आप स्विच ऑफ करके चार्ज करते हो तो शायद 2 घंटे या उससे 5 मिनट पहले चार्ज हो सकता है फुल्ली। दोस्तों तो ये था इस वीडियो में, आपने रिक्वेस्ट की थी इस वीडियो के बारे में और मैंने वीडियो बना दिया है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको इस चार्जर को परचेस करके अपने फोन को इस चार्जर से चार्जिंग करना है कि नहीं। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।